ये तो बहुत खराब बस नाम याद आ रहा है। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आज है मेरे हस्बैंड का बर्थडे और ब्लॉग थोड़ा लेट जा रहा है क्योंकि बर्थडे था 5 तारीख का, तो इस पर व्यूज़ नहीं आते तो मेरा मन नहीं करता ब्लॉग कोई भी अपलोड करो। अगर आप लोगों को थोड़ा सा भी पसंद आए मेरा वीडियो मेरा ब्लॉग तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लेना। तो मैं लेकर आई थी आज 2-3 पौधे, मैंने कहा आज पौधे लगाऊंगी मैं। तो ये है केले का पौधा, क्योंकि मैं गुरुवार का व्रत रखती हूँ तो उसके लिए कहते हैं कि अगर आप केले की पूजा करो ना केले के पेड़ की तो बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है, उसमें केले की पूजा करनी चाहिए। तो मैं ये पेड़ लेकर आई थी, तो ये देख लीजिए। तो केले का पेड़ थोड़ा महंगा आया था, पहले तो मैंने 3 अलग अलग पेड़ पसंद करे थे, एक तो केले का और दूसरा बेलपत्र का और तीसरा जो सामी का पेड़ आता है ना वो। तो मेरी एक फ्रेंड थी, उसने बोला कि आप बेलपत्र का पेड़ ले रहे हो, छोटा बीज पौधा है तो इसे आप चढ़ा नहीं सकते इसमें से तोड़ के, जब तक ये बड़ा नहीं हो जाएगा तब तक आप इसमें से पत्ते तोड़ के चढ़ा नहीं सकते। तो मैंने कहा तो फिर लेने का कोई फ़ायदा भी नहीं है अगर इसको चढ़ा नहीं सकते तोड़ के। तो फिर मैंने सेमी और बेलपत्र का पौधा कैंसिल कर दिया, वो भी महंगे आ रहे थे बहुत ज़्यादा, इसलिए फिर मैं लेकर आई जो फूल के पौधे होते हैं ना, मैंने कहा बालकनी में लगा देंगे तो थोड़ा अच्छा लगेगा। तो ये है 12 मासी, जो कि वाइट भी आता है एक रेड सा भी आता है, मतलब ये गुलाबी सी वाला आता है, तो गुलाबी वाला लाई थी। और एक लेकर आई थी मैं नीमड़ी कड़ी का पत्ता जो होता है ना उसका पेड़, बहुत अच्छा लगता है। तो चलिए यहाँ का काम निपटा के फिर खाना बनाना स्टार्ट करते हैं। तो ये देख लीजिए मेरा सारा खाना लगभग बन चुका है। आज बनाया है गुलाब जामुन, क्योंकि मैंने कुछ लोगों को बुलाया है, इनने अपने फ्रेंडों को बुलाया, मैंने भी बुलाया है। और ये है आलू घोंटे की सब्ज़ी, यानी कि जो हमारे यहाँ होती है वो। और ये जीरा भुन रहा है और ये बन रहा है रायता हमारा, ये देख लीजिए बूंदी का रायता कितना बढ़िया एकदम टेस्टी बना था। और पूड़ियाँ भी हमने पहले ही बना के रख ली थी क्योंकि बाद में नहीं बना पाते। स्वागत है आप सब लोगों का एमपी ब्लॉगर सुमन में। तो कैसे हो आप सब लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। और आज है मेरे हस्बैंड का बर्थडे, तो मैंने बर्थडे पार्टी रखी है घर पे अपने फ्रेंडों को, और इन्होंने अपने फ्रेंडों को इनवाइट किया है। तो ये देख लीजिए मैंने ये वाली साड़ी पहनी हुई है, आप लोग बताना कैसी लग रही हूँ मैं। तो मैं रेडी हो चुकी हूँ, रेडी हो रहे हैं, केक वेक सारा काम आ चुका है, सब खाना वाना बन के रेडी हो चुका है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर देना, शेयर जरूर कर देना, और चलिए बने रहिए और देखते रहिए। अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। देख लीजिए फ्रेंड केक आ चुका था, केक का ऑर्डर दे के आए थे हम सुबह, क्योंकि बना हुआ नहीं मिला था तो आज ऑर्डर देकर आए थे सुबह, शाम को उठा के लाए थे। थोड़ा बहुत और भी सामान था वो भी मैं खरीद के लाई थी, जैसे पत्तल हो गई, ग्लास चम्मच कटोरी, ये सारी चीज़ें लेकर आई थी। आज मैंने ये वाली साड़ी पहनी है तो आप लोग बताना कैसी लग रही। और ये मेरा फेवरेट केक है, ये है रेड वेलवेट, मुझे ज़्यादा पसंद है तो मैंने यही पसंद किया था। तो ये देख लीजिए, और अब स्टार्ट हो रहा है बर्थडे मनाना, तो आप भी बने रहिए, आप भी मेरे हस्बैंड को अच्छी अच्छी ब्लेसेस दीजिए। तो चलिए बर्थडे मनाना स्टार्ट कर लेते हैं। हमने कहा पहले केक कट कर लेते हैं, उसके बाद सबको फटाफट से खाना खिला देंगे। और बज रहे हैं 9:30 करीबन, 10 भी बज रहे होंगे चाय। तो क्या हो रहा था कि लेट हो रहे थे, जिनको जाना था घर पे वो लोग लेट हो रहे थे, तो मैंने कहा चलो पहले हम केक काट कट करके उनको फटाफट से खाना खिला देते हैं। तो उन्होंने बोला ठीक है। इनके दोस्त आ नहीं पाए थे, कुछ आ गए थे कुछ नहीं आ पाए थे, लेकिन जो आ गए थे उनको जाने का बोल रहे थे, मुझे जाना है जाना है, तो हमने फटाफट से केक कट करवा दी। तो ये देख लीजिए सब लोग हैप्पी बर्थडे बोल रहे हैं। का कर रही हो तुम भाभी जावे? मैं खाते ने ज्यादा तक खाया यार, फिर मिले तो भाभी चला नंबर नंबर से जल्दी जल्दी, अब हम पैसा लेकर आ रहे हैं।
निकलो ठीक है चलो ले बर्थडे ये कपड़ा गंदे नहीं करो जी जा बर्थडे धोने हमें पड़ेंगे तिलक करे मैं लाल नहीं कर दी लाल ही ना डरो तो मतलब पैसा लाल में नटा दी जो कह रहे हाथ में मार दिया ठीक है पचास के सौ देना पड़े दे रहे पापा ले अपना थार देखो हमारा तो वीडियो बनना हुआ बस टपका टुक ज्यादा करेंगे नहीं तो हम कमा देंगे माई के सब को माई लेकर नहीं आया ना हाँ बस बस काट के बस दो मिनट बस हो गया बस चलो काट तू करोगे तुम चले जाओ वो कर दे वो तो काट पीट के फिर बांट देता अब पंखा चालू कर दो तू चालू करेगा हमें दे दी मैंने मत दी पहले मैं चल ये तो पिलपिली है ये प्रिया कहा प्रिया कैसी चॉकलेट ले आई पिलपिली कर लिया ले चलो काटो ले ए, पहले काटो मारेंगे सो भी सोच रहे हो काटो तो ये ये तो बहुत खराब निकाला हमने वीडियो बनाओ वीडियो इसमें लिया ले लो और दस दिन में गुलाब जामुन लग दी गुलाब जामुन लग दी डिब्बा में लगे अरे एक दिया तो पहले इनके दोस्तों को जितने भी जो इनके फ्रेंड थे मेरे फ्रेंड थे सबको खाना खिला दिया था
ये मेरे खास रिश्तेदार हैं, उनको मैंने अभी खिलाया, पहले जो बाहर के थे उनको खिलाया, और उसके बाद हमने जो घर के हमारे खास पर्सनल जो लोग थे उनको खिलाने के लिए बैठा। कहते हैं कि मेहमान को पहले खिलाते हैं, तो पहले उनको खिला के वो खा पी के बेड पे बैठे हुए थे। और ये मेरे मामा के लड़के यानी कि मेरे भाई हैं, मेरे मामा हैं, और ये मेरे देवर हैं जो परोस रहे हैं। काद नहीं कर रहा, पता है वीडियो बना ज्यादा देख लेंगे सब्जी दे दी। अब क्या को मांग रहा है वीडियो में सब्जी दे दी। तो खाना सब लोगों ने खा लिया था, फिर हम लोग बाकी रह गए थे, मैं, मेरे हस्बैंड और मेरी ननद और मेरे देवर, ये लोग हम लोग ही रह गए थे, क्योंकि हमने बाद में पहले मेहमान लोगों को खिलाते तभी तो हम लोग खाएंगे। तो ये देख लीजिए हम चार लोग रह गए थे, परोसने के लिए हमने कहा चलो यहीं पे रख लेते हैं, जो चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी यहीं पे ले लेते हैं। और वैसे भी मेरे भाई थे वो परोस रहे थे मतलब खाना, तो फटाफट से हम लोग भी खा लेते हैं। फिर एक आया था गिफ्ट, और गिफ्ट देख के तो भैया अचंभे ही रह गए। तो आप लोग भी देखिए कौन सा गिफ्ट क्या आया था। हेलो एवरीवन, बर्थडे सब हो चुका है, खाना खा चुके हैं, अब हम लोग बस सोने की तैयारी है, बस सारा काम निपट चुका है, फ्री हो चुके हैं, लेकिन बज चुके हैं 11:30। ए नीचे रख, क्योंकि हमने खाना दोपहर में बना के रख लिया था सारा, शाम के लिए कुछ भी नहीं छोड़ा था, इसलिए बहुत जल्दी फ्री हो गए, वरना 12:00 बज जाता। तो आज हम जल्दी फ्री हो गए थे, और अब हम अपने ये साड़ी चेंज करेंगे और फिर बस सो जाएंगे, क्योंकि तो वैसे ही बहुत लेट हो गया है, और बर्तन कुछ है नहीं ज़्यादा, एक दो होंगे दो बिठा के, और गिफ्ट आया है तो गिफ्ट आप लोगों को दिखाएंगे कि क्या है, और आप लोग मतलब विश करना अच्छी अच्छी मेरे हस्बैंड के लिए। तो चलिए मिलती हूँ मैं आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में, तब बाय बाय। देख लीजिए फ्रेंड, ये आया था गिफ्ट, तो मैंने जैसे ही मतलब थैली को खोला तो मुझे समझ आया कि ये तो केक है, उन्होंने पहले बोला ही नहीं, क्योंकि डब्बे के ऊपर हैप्पी बर्थडे का जो टैग होता है वो था, मोमबत्ती थी, चाकू भी था, लेकिन उन्होंने बोला नहीं पहले कि हम केक लेके आए, इसको भी कट कर लो। तो ये देख लीजिए भैया, इनका नाम भी रखा है, इनका जो नाम है, उनका जो फ्रेंड लोग बुलाते वो नाम भी इस पर लिखा हुआ है। तो ये देख लीजिए, फिर सब लोग इतना सबका पेट भर गया था, तो ये वाला केक ऐसे ही उठा के रख दिया था, फिर बाद में हम लोगों ने खाया था ये वाला, ये देख लीजिए। तो हम सोच रहे थे कि गिफ्ट में कोई मतलब बहुत सारी चीज़ें होती हैं उसमें से होगा, तो हमने कहा चलो देखते हैं, खोलते हैं गिफ्ट, वीडियो बनाते हैं, चलो सब लोगों के साथ शेयर करते कि क्या आया। तो उनके दोस्त थे वो केक लेके आए थे। तो चलिए आज का वीडियो इतना ही, पसंद आए लाइक से सब्सक्राइब जरूर करना, मिलती नेक्स्ट वीडियो में।